सो है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो डूड, ये वीडियो होने वाली है हेयर स्टाइल के ऊपर। गाइज, हेयर स्टाइल मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि जब भी मैं शूट पे जाता हूँ तो मैं अपना हेयर स्टाइल अपना बेस्ट देता हूँ अपने फोटोशूट्स में। सो डूड, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हर इंसान चाहता है कि उसके बाल, उसका हेयर स्टाइल एकदम भी सबसे बेस्ट लुक हो और बहुत अच्छा चमके बंदा। सो डूड, हर बंदा चाहता है कि उसका हेयर स्टाइल एक नंबर हो। टीनेजर्स में हेयर फॉल की प्रॉब्लम, वाइट होने लगते हैं बाल एकदम से, ये प्रॉब्लम हेयर फॉल बहुत ज़्यादा आ गई है, क्योंकि जो टीनेजर्स हैं या यंगस्टर हैं वो अपने बालों की केयर नहीं कर पाते हैं। टूट, कभी भी ये सोचो कि आपके बाल वाइट हो क्यों रहे हैं, आखिरकार वजह क्या है जिससे आपके बाल वाइट हो रहे हैं। वजह यह है कि आप केयर नहीं कर रहे हो। ऐसी क्या वजह है कि आपको हेयर फॉल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, आप गंजे हो गए एकदम भी, कोस डूड आप अपनी केयर नहीं कर पा रहे हो। लड़के कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनके बाल वाइट हो जाते हैं जबकि उनकी एज भी नहीं होती है। सो डूड, इसके लिए मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, 8 वो बड़ी मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपके बाल ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं। सो डूड, सबसे पहली मिस्टेक है शैम्पू। अब डूड, शैम्पू कुछ लोग समझते हैं कि शैम्पू लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, एवरीडे जितना भी हम लगाएंगे उतनी ज़्यादा शाइनिंग आएगी और उतने ही बाल उनके मजबूत होंगे। सो डूड, ऐसा नहीं है। आपको शैम्पू हफ्ते में सिर्फ 3 या 2 बार लगाना है, क्योंकि डूड उसमें कुछ इतने हार्ड केमिकल होते हैं, वो सिर्फ आपकी डस्ट को दूर करने के लिए होता है शैम्पू, इसलिए उसे एवरीडे ना लगाए। क्योंकि डूड मैंने कुछ ऐसे सीन देखे हैं कि खुद मेरे जानते हुए बंदे हैं, मैंने काफ़ी सारे ऐसे सीन देखे हैं कि डूड जो एवरीडे शैम्पू लगाते हैं आज उन्हें हेयर फॉल प्रॉब्लम है और गंजेपन की वजह से उन्हें शर्म महसूस होती है। सो डूड, ऐसा बिल्कुल भी मत करो अपने साथ। सो डूड, सबसे पहली मिस्टेक है शैम्पू ज़्यादा करना और एवरीडे करना। डूड, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नहाना नहीं है, आपको एवरीडे नहाना है। आप कंडीशनर भी 4 से 5 बार लगा सकते हो हफ्ते में, बट आपको एवरीडे शैम्पू नहीं करना है। सेकेंड जो बड़ी मिस्टेक है डूड, वो ये हो जाती है कि सन, डूड धूप में नहीं निकलना चाहिए। अब डूड आप बोलोगे काम है, धूप में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, सो डूड जब भी आप धूप में जाओ, क्योंकि डूड जब हम धूप में निकलते हैं तो हमारे बाल एकदम भी बर्न हो जाते हैं, हमें 6-6 घंटे हम धूप में रहते हैं ना, और डायरेक्ट हमारे बालों पर ही धूप पड़ती है, सो इसलिए हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। सो डायरेक्ट जो धूप है वो डायरेक्ट हमारे बालों पर भी पड़ती है, इसलिए हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप धूप से घर में आते हो, एंटर करते हो और अपने हवालों पर हाथ लगाते हो, सो डूड आपको बहुत ज़्यादा हीट लगते हैं अपने बाल। सो ये वजह है। जब भी आप बाहर जाओ तो आप अपना कैप वगैरह ज़रूर लगाओ, बट कैप वगैरह ऐसा लगा के जाओ जो कि इतना लूज हो जिससे आपके बाल ख़राब ना हो। थर्ड जो मिस्टेक है डूड, वो ये है कि ज़्यादा टाइट हैट्स पहनने, ज़्यादा टाइट कैप पहनने। कुछ लोग ऐसे हैं जो 8-8 घंटे सुबह, 12-12 घंटे सुबह कैप लगाते हैं और शाम को उतारते हैं, और वो कैप बहुत ज़्यादा टाइट होती है। सो डूड, ऐसे लोग गंजे बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग हैट पहनते हैं वो गंजे होते हैं और एक उम्र में आके वो गंजे हो जाते हैं। सो डूड, फोर्थ मिस्टेक ये होती है कि आपने जब भी आप नहा के निकलते हो तो आप अपनी टावल से अपने बालों को रब कर रहे होते हो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से। तो डूड आपने उस वक्त एग्रेसिव नहीं होना है और बहुत ही प्यार से और बहुत ही तरीके से रबिंग करनी है अपने बालों को, सिर्फ सुखाना है वहाँ पे, आपने कोई लड़ाई नहीं करनी है अपने बालों के साथ। उससे क्या होता है कि डूड जब आप अपने नहाने के बाद अपने गीले बालों पर टावल कर रहे होते हो ना डूड बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से, तो आपके बाल डैमेज होने का डर है और आपके बाल झड़ते बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको वो हैबिट हो जाती है तो टूट आपको आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। फिफ्थ मिस्टेक ये है कि जब भी आप ड्रायर लगाते हो तो ड्रायर डूड आपने इतनी पास से नहीं लगाने, आपने कम से कम 2 फुट या 1.5 फुट दूर, यानी 12 इंची या 1.5 फुट या 2 फुट दूर से आपने ड्रायर करनी है ताकि आपके बाल उसमें बर्न ना हो, क्योंकि ड्रायर से डूड गर्म हीट निकलता है। सिक्स्थ सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि जब भी आप स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हो तो आपको वहाँ पर बिना कैप के नहीं नहानी है, आपने स्विमिंग कैप पहननी है। डूड स्विमिंग कैप इसलिए पहननी है, कोज ऐसा पाया गया है कि जो स्विमिंग पूल का पानी होता है डूड उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल, कुछ ख़राब तरीके का केमिकल होता है। सो डूड इस वजह से आपको अपने वहाँ पर स्विमिंग पूल में केयर करनी है, आपको स्विमिंग कैप ज़रूर लगाना है। स्विमिंग पूल में नहाने के बाद का एक शैम्पू होता है जो स्विमिंग पूल में नहाने के लिए ही बना होता है डूड, उससे आप
आपका जितना भी वो केमिकल है तो वो सब बाहर निकाल देता है। सो डूड सेवंथ मिस्टेक ये है कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो। डूड जो आपने देखा हो कि जो टेंशन बिजनेस की टेंशन लेते हैं या किसी भी मैटर में कोई भी स्ट्रेस लेते हैं अपने माइंड पर, डूड वो बहुत ज़्यादा गंजे होते हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साइंटिफिक भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डूड आपको अपने माइंड में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने उस बारे में इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। स्ट्रेस बिल्कुल कम लेना है, जितना हो सके उतनी कम टेंशन लेनी है। उससे आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। एट्थ मिस्टेक ये है कि डूड हीट जो है वो बालों के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में जब भी हम नहाते हैं, शावर लेते हैं, तो टैंकी में गर्म पानी आता है। सो डूड वो गर्म पानी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। या फिर आप अपने बालों से खुद ही अपने बालों को अपने आप ही स्ट्रेट करते हो स्ट्रेटिंग मशीन से, सो वो आपके लिए बहुत डैमेज हो सकता है। बिकॉज कहीं से आपके बाल स्ट्रेट होंगे और कहीं से नहीं होंगे। आपने स्ट्रेटिंग मशीन अगर आपको सही से यूज़ करनी आती है प्रोफेशनल तरीके से तो ही आप यूज़ करो, अदरवाइज आप अपने बालों को डैमेज बिल्कुल भी मत करो। डूड अपनी हेयर केयर करनी सीखो। कुछ जब तुम अपनी हेयर केयर खुद करनी सीखोगे ना डूड, तो अपनी खुद की केयर खुद करना सीखोगे ना डूड, तो तभी आप किसी दूसरे की केयर कर पाओगे। सो डूड ये थी हमारी कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आप अपनी लाइफ से एकदम भी निकाल दो अभी के अभी। सो डूड आपने अगर कुछ भी मुझसे पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप वहां जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं। सो डूड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।